प्रदेश में मैट्रिक व प्लस टू की वार्षिक परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी, जिसमें मैट्रिक के 1,04,338 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वहीं प्लस टू के 86,630 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। उधर राज्य मुक्त विद्यालय यानी SOS के मैट्रिक व प्लस टू के 15,282 परीक्षार्थी भी वार्षिक परीक्षाएं देंगे। प्रदेश में मैट्रिक व प्लस टू की वार्षिक परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी, जिसमें मैट्रिक के 1,04,338 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं प्लस टू के 86,630 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। उधर राज्य मुक्त विद्यालय यानी SOS के मैट्रिक व प्लस टू के 15,282 विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाएं देंगे। बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश भर में 2,227 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,904 परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में, 120 परीक्षा केंद्र निजी स्कूलों में, जबकि SOS परीक्षा के लिए 203 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की ओर से पिछले वर्ष शुरू किए गए सावित्री बाई फुले महिला परीक्षा केंद्र की पहल को इस बार भी जारी रखा गया है। 53 महिला परीक्षा केंद्र बनाए हैं। पिछले वर्ष जिन स्कूलों में महिला परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उनकी जगह अधिकतर नए स्कूलों में इन परीक्षा केंद्रों को स्थापित किया है। इन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा संचालन की मुख्यतः जिम्मेवारी महिलाओं की होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 5 मार्च से शुरू हो रही मैट्रिक प्लस टू और SOS परीक्षा की लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नियमित विद्यार्थियों में मैट्रिक के 1,04,338 और प्लस टू के 86,630 विद्यार्थी, जबकि SOS के मैट्रिक व प्लस टू के 15,282 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस बार 2,227 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,904 सरकारी स्कूलों में, 120 निजी स्कूलों में, जबकि 203 परीक्षा केंद्र SOS परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए हैं। वहीं 53 सावित्री बाई फुले परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। हाँ, इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षाएं 5 मार्च से प्रारंभ होंगी और मार्च में ही ये समाप्त हो जाएंगी 27 मार्च तक। और इन परीक्षाओं में जो संख्या छात्रों की, मैट्रिक में जो छात्र होंगे इसमें, वो 1,04,338 हैं और प्लस टू में 86,630 हैं। इसके अतिरिक्त SOS में भी 15,282 ऐसे छात्रों की संख्या रहेगी जो बोर्ड के एग्जाम मैट्रिक के और प्लस टू के लेगी। पिछले वर्ष 1980 परीक्षा केंद्र थे, लेकिन इस वक्त हमने परीक्षा केंद्र बढ़ा दिए हैं और छात्रों की संख्या भी बढ़ गई है। तो परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट स्कूल में जो रहेंगे वो 1,904 और प्राइवेट स्कूल्स में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो 120, ये रेगुलर छात्रों के लिए हैं। और टोटल एग्जामिनेशन सेंटर जिनमें SOS के 203 हैं, तो कुल मिलाकर ये 2,227 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 53 परीक्षा केंद्र सावित्री बाई फुले परीक्षा केंद्र रहेंगे, जिसमें महिला टीचर ही सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की ड्यूटी पर तैनात की जाएंगी। पिछला हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि जितने भी महिला केंद्र बनाए गए थे सावित्री बाई फुले जी के नाम से, उनमें काम बहुत बेहतर हुआ। और विशेषकर एक बात और देखने को मिली थी, पीछे हमने ये प्रयास किया था कि CCTV कैमरा लग जाएं सारे परीक्षा केंद्रों में, तो CCTV कैमरा उस वक्त लगे थे। कुछ ऐसे विद्यालय थे जिनमें नहीं थे, परंतु नकल के ऊपर रोक लगी। और मैं आपको एक और बताना चाहूँ, सावित्री बाई फुले परीक्षा केंद्र, ये इस प्रकार का एक बड़ा पोस्टर रहेगा, वो हर एक विद्यालय में जो कि महिला सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, इसमें सावित्री बाई फुले का थोड़ा सा उसमें ऑटोबायोग्राफी भी रहेगी। तो इस प्रकार का एक पोस्टर, कलर पोस्टर ये रहेगा। और हमने एक और की पहले क्या था कि वो इस साइज का पोस्टर ये रहेगा। पहले क्या था कि जितने भी नकल के बारे में है, कि नकल करना अपराध है, अगर कोई नकल करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, इस प्रकार इसे एक थोड़ा हॉरर
क्रिएट हो जाता था, टेरर क्रिएट हो जाता था। तो हमने इसको बहुत सुधारात्मक और सकारात्मक पक्ष से बनाया है कि नकल को रोकने के लिए, यानी हमने इस तरह की अपील, ये मोटिवेशन और अवेयरनेस के नाते इस प्रकार का ये पोस्टर हमने बदल दिया, जिससे कि कोई हड़कंप बच्चों में नहीं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।